नमस्ते दोस्तों, वाइल्ड ईटिंग बॉस में आपका स्वागत है और आज हम आ गए हैं आपके लिए नए वीडियो लेके। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और आज हम खाने वाले बिग साइज का क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, बड़े साइज का। ये देखिए, हम इसको पकड़ के ला लिए है। समथिंग ये 30 से 35 केजी का होगा। और अब हम इसको सफाई करने वाले हैं। ये देखिए, गर्म पानी डाल के धीरे धीरे चम्मच की सहायता से इसकी ऊपरी परत को धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। ये देखिए, अब इसके सर पे गर्म पानी डाल के धीरे धीरे हम इसका चमड़ी बाहर निकालेंगे, ऊपरी सतह का। ये देखिए, चम्मच की सहायता से धीरे धीरे निकाल रहे हैं। ये पूरी तरीके से साफ़ हो रही है। अब इसके सर में गर्म पानी में डाल देंगे कढ़ाई में। ये देखिए, डाल दिए हैं। देखिए, अब चम्मच की सहायता से इसके सर की जो ऊपरी सतह है उसको भी अपन साफ कर रहे हैं। ये देखिए, बड़े कढ़ाई में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, इसकी जो पूंछ है उसकी जितनी भी ऊपरी सतह की जो चमड़ी, उसको आप निकालने वाले हैं। इसी वजह से इसको गर्म पानी में डाल दिए हैं। ये देखिए, हाथ पकड़ते और खींचते ही पूरी इसकी पूंछ की जो चमड़ी थी बाहर निकल गई है। ये देखिए, पूरा तरीके से साफ हो गया है। अभी इसका हम कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए, बीच से इसको काट दिए हैं। ये देखिए, लकड़ी की सहायता से और चाकू की सहायता से धीरे धीरे हम इसकी ऊपरी सतह को निकालेंगे, इसकी खाल पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसकी खाल निकाल के मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसकी खाल निकल रही है। ये देखिए, इसकी पूरी खाल निकाल दी है हम लोग ने। और ये इसकी पूछ का हिस्सा जो है, इसको हम पकाने वाले हैं अभी फ़िलहाल। बाकी हिस्सा हम शाम को पकाएंगे। ये देखिए, पूरा गुदा ही गुदा है दोस्तों। ये देखिए, खाल निकाल ली है। इसको टंगा के दिखाते हैं हम आपको, किसी खाल कैसे होती है और कैसे दिखती है। ये देखिए, इसकी खाल पूरे बाहर निकाल दिए है। और ये आ गई, हमारा मटन आ गया है। इसको हम काटेंगे। ये बकरे की मटन जैसा लग रहा है दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखें तो। और इधर नल भी है, ये साफ भी होते जाएगा। और इसको हम कटिंग भी करते चलेंगे, दोनों काम एक साथ होगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या गोश्त लग रहा है, एकदम बेहतरीन। और इसका हड्डी वाला जो हिस्सा है, इसको हम फेंक देंगे। ये देखिए, ये बीच का जो हड्डी है उसको हम फेंक देंगे। आज हम खाने वाले गुदा ही गुदा। ये देखिए, ये पूरा इसका गुदा ही है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। इसका जो गोश्त है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए, अब ये पूरा कटिंग हो चुका है गोश्त का, जो बाहर निकाल लिया हम लोग। इसको बारीक बारीक काटेंगे। देखिए, ये कटिंग हो रहा है। ये देखिए, गैस में रख लिए अपन बड़ाई कढ़ाई में। ये देखिए, प्याज भाजी कट रहा है, मिर्ची हरी और लाल दोनों डालेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए, कट चुका है पूरा। अब इसको गर्म पानी में हम लोग उबालेंगे अच्छे तरीके से, जैसे सूप बनाते उसी प्रकार से। इसको हम अभी गर्म पानी में इसको उबाल रहे हैं। देखिए, अब डालेंगे गोश्त, इसको भी पकाएंगे इसमें। ये देखिए, ये भी पक चुका है पूरा अच्छे तरीके से। और इसको चम्मच के साथ ऐसे हिलाएंगे ताकि कोई भी हिस्सा ना छूटे। अभी पकने के बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं।
अब इसको हम फ्राई करने वाले दोस्तों। ये देखिए इसको पूरा बाहर निकाल दिए, अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखिए लाल मिर्च प्याज भाजी सब अच्छे तरीके से पक चुकी है पूरा। अब इसको हम ये देखिए ये है काली मिर्ची, इसको भी अच्छे से कूटेंगे इसको। ये देखिए कूट रहे हैं इसको, और ये डाल दिए अपन ऑयल डाल दिए है। ये देखिए ये देखिए इसको छानेंगे अभी हम लोग, और छानने के बाद इसको हम मसाले के रूप में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है, पानी गिर रहा है बाहर में, और इधर हलचल भी हो रही है, गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये पूरा छान चुका है। ये देखिए और छान रहे हम लोग कुछ। ये देखिए दोस्तों ये अच्छे तरीके से पूरा छान चुका है। ये देखिए अब प्याज लहसुन और ये बड़ी मिर्ची इसको सब काट के इसका हम लोग मसाले के रूप में यूज़ करेंगे। अभी इसको मिक्सी में पीसने वाले हैं। ये देखिए प्याज लहसुन अदरक ये सबको, धनिया ये सब रेडी हो गया है काट के, ये काम मंगनू ने किया है दोस्तों आज। ये देखिए इसको ये सब मिक्सी में जा रहे हैं और ये पीसने वाला है अभी। देखिए हमारी मिक्सी इसको अच्छे तरीके से पीसेंगे अब हम लोग। इसको अच्छे तरीके से पैक कर दिए, अब चालू करते हैं मिक्सी। ये देखिए दोस्तों अब ये चालू हो गया मिक्सी। देखो क्या पिसा रहा है मतलब बारीक बारीक का। अब ये जिमी का अंदर इसका भी यूज करने वाले हैं हम लोग। देखिए तेल में अपन डाल दिए हैं मसाला को, और इसको अच्छे तरीके से भूंजने वाले हैं। मटन आ गया हम लोग का, मगरमच्छ का। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से भूंजेंगे, इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये देखिए मटर है और ये छोटे छोटे प्याज है, इसका भी यूज़ करने वाले हैं हम लोग, इसके ऊपर डालने वाले हैं इसको। ये देखिए जो मसाले का जो पानी बचा हुआ था उसको हम लोग डाल रहे हैं अभी। ये अच्छे तरीके से भूंज आ गया है, और इसमें डाल दे है पानी। देखिए खट्टा पानी है इमली का, खटास के लिए इसको डाल दिए हैं। ये टमाटर सॉस है, ये काला नमक है दोस्तों, और ये हमारा ओरिजिनल नमक है। ये देखिए पानी डाल दिए इसको अच्छे तरीके से। अब इसको पकने देंगे, 30 से 40 मिनट तक इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसको पकाएंगे। ये देखिए ढक्कन ढक देते हैं। देखिए दोस्तों बताइए लाजवाब लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है।
और ये प्याज है छोटा छोटा और मटर दाना है, इसको भी अपन डाल के अच्छे तरीके से इसे मिलाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। और ये है खट्टा दही, इसको डाल के इसको और बेहतरीन बनाने वाले हैं हम लोग। अभी पूरा पक चुका है, अब हम लोग खाने वाले हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है पूरा, इसका जो मटन है अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं टेस्ट ले लेता हूँ एक बार। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दोस्तों, ये तैयार हो गया है, रेडी हो गया है, अब हम खाने वाले हैं इसको। ये देखिए इसको बाहर निकाल लिया है हम लोगों ने, इसमें निकाल लेते हैं। और मंगलू मेरा दोस्त जो हमारी साथ हमेशा करते रहता है, उसको भी आज हम यहाँ बुलाया है, हम दोनों एक साथ खाने वाले हैं। ये देखिए सुक्का बनाया है एकदम, वो बहुत ही खूबसूरत सेंट आ रहा है, बहुत ही लाजवाब लग रहा है। अब अपन खाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए ओ बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दोस्तों, मंगलू मेरा दोस्त इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्ट पसंद आया जो आज मैंने बनाया था। ये देखिए रखने के बाद ये और लाजवाब हो गया है। गर्म है, जितना गर्म है उतना ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट लग रहा है दोस्तों, वाओ। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें, और हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग के लिए, धन्यवाद दोस्तों।